गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेशन 2020 21 की लॉकडाउन के चलते क्लासेज देर से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन छुट्टियों के चलते हुए क्लासेज ऑनलाइन ही स्कूल ने चलाने का निर्णय लिया है। तो उसको देखते हुए मैथ्स की ये पहली आपकी ऑनलाइन क्लास है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, चैप्टर को शुरू करने से पहले जो 11th क्लास का थोड़ा सा बेसिक था उसको हम रिवाइज करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास एक सेट है ए और उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, साथ ही हमारे पास एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी, तब अगर आपसे कहा जाता है कि आप ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी निकालना आपने 11th क्लास में सीखा। इस कंडीशन में ए क्रॉस बी हो जाएगा 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C। अगर इस A क्रॉस B में से हम किसी ऐसे फलन को लेते हैं जो इस तरह से मैप होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये ए, ये बी, ये सी, 1 मैप होता है 1 की इमेज ए के साथ, 2 की इमेज बी के साथ, 3 की इमेज सी के साथ। इसे हम चूंकि एक फंक्शन है, 11th क्लास में आपने किया कि जो फंक्शन होता है उसमें ए के एवरी एलिमेंट का बी पर इमेज यूनिक होता है, मतलब ए में जो आ रहा है 1, 2, 3, 1 बी के केवल एक ही एलिमेंट के साथ रखा जा सकता है। तो इसमें से अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करें तो उसको राइट करने का मेथड था f एक ऐसा फंक्शन है जो a से b पर है, इसके अपोजिट अगर हम f इनवर्स जिसे कहते हैं फलन का प्रतिलोम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा b टू a। मीन्स पहले वाली कंडीशन में जो फंक्शन लिया गया उस फंक्शन में जो प्रांत था, जो परिसर था, एफ इनवर्स वाले केस में, जो पहली कंडीशन में एफ वाले केस में परिसर था वो प्रांत बन जाएगा और जो प्रांत था वो परिसर बन जाएगा। मतलब अगर हम किसी फलन का प्रतिलोम फलन निकालें तो उस कंडीशन में जो फलन है उसका प्रांत प्रतिलोम फलन का परिसर बन जाता है, लाइक ए और यहाँ ए। जो पहले वाले फलन का परिसर है बी, वो दूसरे वाले प्रतिलोम फलन में वो उसका प्रांत बन जाता है, मतलब प्रांत और परिसर प्रतिलोम फलन वाले केस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यहां प्रांत यहां परिसर, यहां प्रांत यहां परिसर। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम किसी फलन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से बन जाती है कि पहली कंडीशन में जब वो फलन था तो उस फलन में, उस फंक्शन में जो प्रांत और परिसर हैं उसके प्रतिलोम फलन में
प्रांत और परिसर चेंज होकर परिसर प्रांत में और प्रांत परिसर में बदल जाता है। तो इस तरह से हम किसी फलन का इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन फलन निकालते हैं।